दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज की समस्या को लेकर और साथ साथ उसके कारण जो परेशानियां होती हैं, गैस बनती है, खट्टी डकारे आती है, अपचन, इंडाइजेशन जैसी समस्या रहती है। इसके अलावा आंतों में सूजन आ गई है जिसके कारण लीवर पर भी आपकी सूजन आ गई है, आंतें प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिलती है। देखिए कब्ज की जो समस्या है उसके कारण जो है शरीर के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ आपको जो है होती हैं और बहुत ही दिक्कतें इससे हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इस बारे में कि कब्ज के बारे में कुछ इलाज बताइए जिससे कि कब्ज की समस्या से राहत पाया जा सके। कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर मिलती हैं जो कब्ज को फौरी तौर पर, कोई कई तरह के चूर्ण वगैरह आते हैं, वटी वगैरह आती हैं तो वो फौरी तौर पर कब्ज को तोड़ देते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता, फिर एक दो दिन बाद फिर से दोबारा लोगों को कब्ज होने लगता है। देखिए आंतों में खुश्की हो जाती है, आंतें सूख जाती हैं, साथ ही साथ आंतों में सूजन भी हो जाती है जिसके कारण ये समस्या होती है। तो दो तरह की दवाइयां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज की भी समस्या, इंडाइजेशन की समस्या, हाथों की सूजन, जिगर की सूजन, साथ साथ मैदे में कहीं पर भी सूजन है तो उसमें सब में काम करेगी। देखिए यह अलहयातीन, अब अलहयातीन इतनी फेमस दवाई है, बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। ये आपके जिगर में सूजन है, मैदे में सूजन है, कहीं पर भी सूजन है, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है तो ये काम करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट भी इसके देखने को मिलते हैं। नॉर्मल डोज की बात कर लेता हूँ। देखिए नॉर्मल जो इसकी डोज होती है कितने इसको लिया जाता है, तो 10 से 25 ml तक इसको बराबर पानी में मिलाकर इसको सुबह शाम लिया जा सकता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सूजन वगैरह की समस्या और उसके कारण अगर कब्ज की समस्या बनी हुई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपको फ़ायदे मिलेंगे। दूसरी जो दवाई है दोस्तों, यह त्रिफला चूर्ण। देखिए त्रिफला जो है एक तरह से आपके पूरा जो शरीर है उसको डिटॉक्सिफाई काम करने का काम करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कब्ज नहीं होने देता है और आपकी जो आंतों में जो मल जमा रहता है उसको निकालने का काम करता है। त्रिफला को आप लगातार महीना, दो महीना, तीन महीना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। अब इसको लेना कितना होता वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में इसको ले जाता है तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग डोज हो सकती है, लेकिन मैं कब्ज के मरीजों के लिए और पेट की समस्याओं के लिए आपको बता देता हूँ। आधा से एक चम्मच आपको, यानी 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में आपको गुनगुने जो है पानी के साथ में, हल्के गर्म पानी के साथ में रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप सोने जाते हैं तब इसको लेना होता है। इस तरह से आप इसको ले कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें तो अगर आपको फौरी तौर पर कब्ज भी हो रही है तो क्या करेंगे, फिर त्रिफला से कई बार काम नहीं होता है तो मैं एक दवाई आपको बता देता हूँ जिसकी आदत भी आपको नहीं लगेगी और आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए यह कुर्स तिनकार, अभी जो कुर्स तिनकार जो होती है इसको जो है कई कंपनियां बनाती हैं यूनानी की, तो मेरे पास में हमदर्द का है। अगर आपको हल्का कब्ज है तो एक टेबलेट अगर आप रात में ले लेते हैं तो आपका पेट साफ़ हो जाता है। अगर ज़्यादा कब्ज की समस्या बनी हुई है, कब्ज नहीं आपका ख़त्म हो रहा है, तो 2 टेबलेट ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में या ताज़े पानी के साथ में भी लिया जा सकता है तो आपकी कब्ज की समस्या में ये राहत दे देता है, तो ये भी आप रख सकते हैं। हालांकि लगातार इसको नहीं लेना है, जब आपका कब्ज टूट जाए, जब आपका पेट साफ हो जाए उसके बाद में फिर ये दोनों दवाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कितने दिन इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 1 से 1.5 महीना त्रिफला और अलहयातीन का इस्तेमाल कीजिए। आपकी आंतों की सूजन, जिगर की सूजन, मैदे में कहीं पर भी सूजन है, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है, खासतौर से सूजन के कारण अगर इंडाइजेशन की समस्या हो गई है, इस तरह की कंडीशन है, खाना हजम नहीं होता है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, बदहजमी, अपचन जैसी कंडीशन हो गई है और फूड पाइप में जलन रहती है, खाना खाने के बाद फौरन पेट भारी होना, जलन होना, इस तरह की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस दौरान आप परहेज कीजिए, देखिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए, मीट, मछली, अंडा वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, देर हजम खाना मत खाइए, बासी खाना मत खाइए, पानी आपने ज़्यादा पीना है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं और कुल मिलाकर आपको हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है इस दौरान, और बाहर का खाना जो फास्ट फूड होता है बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, तेल घी से तली हुई चीज़ें ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिए या ना इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग इस तरह की परेशानियों से परेशान हैं वो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा, ख़ासतौर से उन परेशानियों को लेकर जो पेट में कब्ज के कारण बन रही है या कब्ज की समस्या बनी हुई है उन लोगों के लिए। और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।